अरे भाई रुको, क्या बोल चाचा? देखिए गाड़ी मेरी खराब हो गई है, एक मैडम को लेके पावागढ़ तक जाना है। अगर आप उस तरफ तक जा रहे हैं तो उनको भी अपने साथ लेते जाइए। अरे एमे का बा, एगो मजदूर ही मजदूर के काम आवेला। हाँ। कौनो बात ना, बोल दी हम पहुंचा दे। ठीक जी, पेट्रोल तो बानू। हाँ मैं, तू बिगड़ल बाड़ू ये गाड़ी, जवाब के जगह ने ये पैसा पकड़ो और अब तुम ही मुझे ले जाओगे। सुन, राजू के खरीदे खातिर तोर सात खानदान के दौलत भी कम पड़ जाई। राजू दौलत और तेवर से ना प्यार से खरीदा ला। चाचा के बोल देले बानी यही से लेके जाता नहीं। बैठा छोड़ दे। अब इतना का हो गया। भैया उदी ना, अरे ई ना, अरे वो मोच खातिर स्प्रे चाहिए। गौवा में सही है कहल गेल बा, हर दा बैल दा और खोदे खातिर पहनो दा। ये लीजिए 160। हाँ उठावा लगावे के बाद क्या? अरे पैरवा उठावा स्प्रे लगावे के बाद। हाँ। आपका दिन भर लगो इबू हो गई। आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद भूख ना लगे? भूख ना लगे? ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो खाने के बाद भूख ना लगे।
साहब, मुझे कोई भीख भी नहीं देता है। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। लोगों के चूल्हे की आग तो बुझ जाती है, मगर ये पापी पेट की आग कभी नहीं बुझती साहब, कभी नहीं बुझती। साहब, आपके पास दवा नहीं है तो मुझे मुझे शहर दे दीजिए साहब, मुझे शहर दे दीजिए। चाचा चलिए कुछ खा ले। आई भगवान आई भगवान। अरे ना चल भगवान भला करते हैं। हाँ बैठे ना। भैया एको थाली देता। एक थाली बाहर। हाँ ये सब रोरे खातिर बा खाई। अरे ये क्या करता है चाचा, जौना गरीब के केहू ना होला ना ओकर ऊपर वाला होला। रवा खाई भैया। एक आदमी का 1 महीने के लिए रोज का नाश्ता खाना का कितना होगा? 2000 रुपए। ठीक बा, काले पगार मिलल बा, हर महीना 2000 रुपया घर खर्च में से निकल जाए तो खर्चा पानी कैसे चले। चल जौन हो तो देखल जाए। लीजिए अगले महीने का एडवांस मैं इसी तारीख को आके दे दूंगा। ठीक है। चाचा हम पैसा भर देले बानी, रोज आके नाश्ता खाना खा के जाए। हाँ और कौनो बात के चिंता मत करिए, भगवान तुम्हें सुखी चले तने। बहुत अच्छे इंसान हो और आपकी अच्छाई से हमको प्यार हो गया और आप हमें मना नहीं करना वरना मैं मर जाऊंगी। ये दोनों कौन है? कृष्ण जी और राधा जी। हाँ और प्रेम की असली परिभाषा इन्हीं दोनों से है और इनके अनंत प्रेम के कारण ही इन्हें दुनिया सच्चे प्रेम का प्रतीक मानती है। दुनिया का हर लड़का चाहता है कि उसे राधा जैसी प्रेमिका मिले जिससे उनका प्रेम अमर हो जाए। हमारा प्यार अमर हो या ना हो लेकिन ये वादा जरूर करती हूँ कि इनकी राधा की चाहत से ज्यादा मैं चाहूंगी। तो फिर मेरा भी ये वादा है कि कृष्ण जी जैसे अपने दिल में कभी किसी और को जगह नहीं दूंगा।
के ने गेलो हो कहां रह गई मालूम रहती है तब न बते तू कल ए चाची राजुआ आ गेले ए चाची हाय देखी अभी ले कहां रहले हम तो कुछ भाई लगा जान रे भैया आवे में जर्री कुनी और लेट होता ना हा? तब मैया आई जा है ना समझे रो रो के गंगा जमुना बहा देती क्या बात कर रहा अरे लाल के ब्याह वाला मामला अभी तक नरम नहीं के भइल वो लोग गरम होके खोजे तो ये सन यही से इतना देर रात बाहर रहल ठीक नहीं के अरे मई तू का चिंता करता रही अरे हमरा कुछ हो सकेला का भला और तू ये तू बात बात पे गंगा जमुना बावल बंद कर बुझ ले ए सुना लो वो मालिक आज बोलले बाड़न कि काल कंपनी में जल्दी आवे के बा चला खाना ना खा के जल्दी सूत जल जाओ हां ठीक कहा तारा हमरा पेट में भूखे चूहा उदुर उदुर कूदता आ खइला बिना दुबरा जाता हमार मेहरारू हमरा के छोड़ दी अच्छा सुन वैसे बोनल का बा आ जी भैया कहां देरी हो गया जी अरे उ दिन नारा वाली जोन मैडम ना रहे तो आज हम जात रहनी मोटरसाइकिल से आउ मैडम वा रास्तवा में लिफ्ट मंगले रहे अच्छा अच्छा और ओकरा बाद तो जवन कहानी शुरू भइल कि हम का बताई चाची 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 आ घी आ गेल बस 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 बाबा देसी घी के बातें कुछ और हो हां चल शुरू कर हमरा जन्म होली हल ना तो गंगा नदी में बाहर आ गेली हल गंगा नदी के पानी हमरा घर के पास सीधे पहुंच गेली हल तो उहे गंगा जी के पनिया गंडक में पलट गो अच्छा आ पूरा हमरा गांव के लबा लोभ क दहलस हम जा रे भैया हमरा गया में फाल्गु नदी है गो समझे ना ओकरा में जब पानिया बढ़ जाता है ना भैया तो दो तीन तो मोहल्ला में पानिया समा जाता है ना तो बढ़वा में सब तो होबे कर इस ससुर लोग तक कुल घी खा जाई फार्मूला लगावे के पड़ी अरे जाने ला अरे वो 2001 में जौन भूकंप होने आयल रहे हमें पता बा का भेल रहे का अरे वो बेरी ना इतना जोर से भूकंप आयल की पता बा सब हेने के सामान एने एने के सामान हेने और होने के सामान ओने हो गेल रहे ठीक ना और कुछ सामान एनियो आ गेल रहे अबे तू चुप रह यार गंगा नदी में बाहर गेल तो हम का करी हम खाई अरे पागल हम तो तोरा के सपूत समझत रहनी है बाकी तू तो हमरा के मुहैया देता ए चल सुता चलो जा ए माई गोड़वा दबा दे तू मुहैया के मार देते हल अभी आहिए दादा ये छौड़ी तो हमरा के बर्बादे कर दी एगो बात बोलियो चाची ये तो अच्छा हलवा के तोहार बेटवा के हाथ खाली गर्दन तक पहुंचलो हल अ कहीं हाथ वात में चकुआ रहती हल तो हे मरे हां तू पगला के बड़का हो
अरे चाची कोनो गाना है का जे चाची के चबा जाई। चाची मान लीजिए अगर रात कुछ ऊंच नीचा हो जाता अरे तो समाज में तो थू थू हो जाता। अरे काकी काल ही अखबार में पढ़ले रहनी कि एगो लड़का एगो लड़की के पीछे इतना खखुआइल रहे कि नहा धोवा के अपना माये बाप के पीछे पड़ गए। ए काकी हमरा तो लागै है ना जो आहा के चिताओ जराइए कर रहा हाँ। औ जा रही चाची हमरा तो ऐसा लग रहा हो ना समझे हैं तोर जो छोड़ा हो ना एक दिन तोरा लगी खतरा के घंटी बन जतो। ये एकदम ठीक कहते है रजुआ के मुंह पे एक गो नाम रहा भैया माई ए माई लेकिन आज प्रीति 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 राजू प्रीति राजू प्रीति 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 के बिया काऊ हम सब समझ गए नी। अरे ये सब तोरी लोग के करतूत रहे ना। अरे हमने के बाद में ठेली हो ले जाकर माई के देखा अपना। हाँ अरे माई हट माई रे ए माई अरे कहाँ गए रे। ठीक बा बाकी वो लड़की के भोजपुरी आवे के चाही। चाची के लड़की भोजपुरी चाह है समाधि रही ना भैया भोजपुरी। हाँ हाँ बुझलिए ने लड़की के भोजपुरी आवे के चाहिए एकदम ठेठ भोजपुरी आवे के चाहिए। लड़की को भोजपुरी आना ही चाहिए। हाँ चल ना का? लड़की के भोजपुरी आवे के चाहिए। ए सुन ना आज बार सुनी ना बस अरे आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए अब मुझे भोजपुरी भी सीखना पड़ेगा ने? लो टेंशन पहाड़ जैसन बा और तू ओकरा के हंस के खेत के ढेला नियन बना देलू। तमे पाने के लिए भोजपुरी तो क्या पारसी भी सीख लूंगी ठीक ने। अच्छा तब ई बतावा माई से कब मिलेब। अरे जिया हमर करे जा कल मंगलवार मंगल दिन पर मंगल कार्य होई पक्का। हाँ। गोर लागतानी माई खुश रहा बबुनी। माई सुंदर बिया नू। हाँ संस्कारी भी बिया बबुनी अपने माई बाबू से बात कर ला तू दोनों के प्यार के ब्याह में बदले खातिर। माई हाँ हम अनाथ बानी जब केहू के आंसू पोछे वाला हाथ आ दर्द बांटे वाला इंसान मिल जाला तब इंसान अनाथ ना रह जाला। बहू बना के ना बेटी बना के रखब। माई बापू के गुजरला के बाद लोग हमरा के बदनसीब कहत रहे लेकिन रउवा लोग के पाके
अब हमार दिल ना रोम रोम कहता कि हम बहुत खुश नसीब बानी। तू रुका, हम आवत आनी। हाँ ई साड़ी आई कंगन हमार सास हमरे बियाह में हमके देले रहनी, और जब राजू ई दुनिया में आयल उहे दिन ई कंगन निकाल के हम अपना होखे वाला पतो खातिर सपना सजा लेनी। अब तोहरा पहने के समय आ गईल बा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अब वर वधू खड़े हो जाइए। वर वधु माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। कौन माई? केकर माई, हम अपना महतारी बाप के अलावा भगवान के भी पैर न पड़ेनी, तो एक दुश्मन की महतारी के पैर कैसे पड़ सकनी? रख ले अपन अरमान, एक गरीब के मसीहा बन के हमरे कॉलेज के लड़की लड़का के सामने अपन जूता हमरा से उठवा के हमरा के झुका देनी। ओकर बदले इन गरीबन के बीच तोहरा जूता मारे के कोनो और रास्ता ना रहे, बदला लेवे खातिर खुद के बदले के पड़न। नफरत रहे गरीब से और प्यार के नाटक ओहे गरीब के साथ करे के पड़ल। और हाँ, हम कौनो अनाथ ना, गुजरात के नेता श्री दिग्विजय सिंह जडेजा के बेटी बानी, जेकर हैसियत पूरे बिहार के बराबर बा। Thank you.
ગુજરાત મેં ના આયા હે ને એ માટે મારે બારે મેં તમને ખબર નથી ઇસીલિયે મેરી બેટી કો મીડિયા કે સામને ઝુકાયા જડેજા મતલબ ગુજરાત આ ગુજરાત માને જડેજા તમને ખબર નથી લોકો કો હાર્ટ એટેક આ જાતા હે મેરા નામ સુનકે મારી ભતીજી કી જીત થી કે બદલા અકેલે લુંગી વરના ઉસી દિન તેરે કો ખટમલ કી તરહ મસલ દેતા जोन इस सिंदूर के अपन पैर के धूल समझ के जात अड़ू ना जोना दिन इस सिंदूर के कीमत पता चली ना उ दिन समुंदर से भी ज्यादा आंसू बहावे के पड़ी बेटी के लिए राजकुमार जैसा ढीकरा दिखाए रहने के लिए ना मॉल की व्यवस्था की है कल सगाई है दावत में आ जाना चल बेटा आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए करेंगे मोहब्बत तुझसे ही चाहे जेल क्यों ना हो जाए मायरे अब तो हमरा उहे लेकी चाहे उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़नी उड़े उड़े उड़ी उड़ी जाए उड़नी उड़े उड़े उड़ी उड़ी जाए सर उड़नी उड़े 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 उड़ी जाए सर सर अभी ड्यूटी पे नहीं है ब्यूटी में लगे हैं बाद में आना तो फिर वर्दी उतार कर साड़ी पहन कर थाना के जगह वैशा खाना में जाकर बैठ जाइए जब बुलाइएगा कीमत लेकर पहुंच जाऊंगा FIR दर्ज करवाना है मुद्दा बोल एक लड़की ने दिल तोड़ा है जितना तेवर तू दिखा रहा है ना उतना अगर तू कानून जानता ना तो तुझे मालूम होता कि कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है कि दिल टूटने पर FIR दर्ज करवाया जाए समझा क्या अच्छा लड़का लड़की को कुछ बोले या ना बोले छेड़े या ना छेड़े लेकिन एक बार उस लड़की के कंप्लेन करने पर उस लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है FIR दर्ज किया जाता है और वहीं जब लड़की किसी लड़के को धोखा देकर चली जाती है तो फिर उस लड़की के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते एक मिनट सात फेरा लीला के बाद मांग में सिंदूर भरवेला के बाद दिल और रिश्ता तोड़ के चल गए हवलदार रिपोर्ट लिखो लड़की का नाम बोल प्रीति लड़की के बाप का नाम दिग्विजय सिंह जडेजा ए, ए, रुक रुक क्या कहा दिग्विजय सिंह जडेजा दिग्विजय सिंह जडेजा एक मिनट अपना चेहरा देखा है शीशे में अरे जडेजा साहब की बेटी तुझसे शादी तो क्या अपने पैर की जूती भी नहीं बनाएगी समझा क्या बात करता है तुम्हारी जडेजा साहब की बेटी सुहागरात भी मनाएगी और अपने बच्चे का बाप भी रिपोर्ट लिखी नहीं लिखूंगा अच्छा Party, 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 party
अब अगर रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो ये लोग इतना लिखेंगे कि वर्दी तो उतरेगी और लोग मार मार के चमड़ी भी उतार देंगे। रिपोर्ट लिखता हूँ तो जडेजा साहब नाराज होंगे, नहीं लिखता हूँ तो वर्दी जाएगी। रिपोर्ट लिख ही लेता हूँ। हवलदार लिख जल्दी, FIR लिख। लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। देखिए भाई, अब तो सगाई के बाद मैं आपको नेताजी नहीं समधी बोलूंगा। अमीर घराने की लड़कियां सदभतरी होती है क्या? एक भतार कल बनाई और दूसरा भतार आज बनाने चली। जंगल का राजा शेर होता है और दिग्विजय सिंह जडेजा यहां गुजरात नु शेर छे। शेर से मदारी वाली हरकत करेगा ने तो इतनी हड्डियां तोड़ूंगा डॉक्टर भी जोड़ नहीं पाएगा। और सुन, प्यार से सर झुका के चला जा, नहीं तो तलवारों से इतिहास लिखने की हमारी पुरानी परंपरा है। तेवर हम वक्त आने पर दिखाएंगे। भले इस गुजरात के राजा आप हैं पर हुकूमत हम मजदूर चलाएंगे। सिक्योरिटी, गोली से ज्यादा ताकत बिहारी की बोली में होती है। हम मजदूर अपनी हाथों से लोहे का आकार बदल देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सोचे मोटा भाई, ये मीडिया को साथ में लेके आया था तो मजबूरी में मुझे FIR दर्ज करना पड़ा। क्या करूं, नौकरी का सवाल था मोटा भाई। क्या खुसुर पुसुर हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मैं बताता हूं, आपकी बेटी के ऊपर केस किया है। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। जब तक आप ये केस जीत नहीं जाते तब तक अपनी बेटी की शादी कहीं और नहीं करा सकते। पीछे हट। किसी और की होने से पहले मेरा रग रग निचोड़ के देख लेना। अगर कतरे कतरे में तू ना मिली तो बेशक मुझे छोड़ देना। यार चाय बनाते हैं कि मजाक करते हैं? अरे बना बो दियो। अरे जोर से फूंका ना। हाँ। अरे जोर से फूंका ना एक बार जल जाता ही। हाँ। आए जी, भी आया। अरे मुंह से फूंके ना महाराज।
बाप रे बाप, हमरा के फूका फूके में फसावा तारो लोग। चाय वाला है क्या हम? ए ना 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 ना, ए चाय वाला के चाय वाला बोलल जा है। हां चाय वाला तो देश के प्रधानमंत्री हो सका है। हां तू भी हो सका है। चायवा बनावा, बनो का फूका फूका बनाओ बनाओ, ठीक से फूका बनाओ। ए रजुआ, ए चाची, संभी जेल थी ने। इतना बड़ा हस्ती होके आज ही गरीब के बस्ती में का करेला आइल बानी? तुम्हारे डिगरा है ने उसके प्रेम को खरीदने के लिए। बाड़ी ले, इतने में तेरे खानदान क्या, तेरे पूरे गांव का जिंदगी कट जावेगा। हाँ ले 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 ले, हाँ तनी पी के बताया था, कैसा लगा था? है भाई बहुत फीकी छे। ससुर जी, करोड़न के चेक जब चाय के रंग और स्वाद न बदल पौलस तो हमरा प्यार के का बदली। बिकते अमीर है और वादे निभाते सिर्फ गरीब है। अमीर जब गरीब को जंजीर में जकड़ता है ने, तब उसके वादे इरादे उसके साथ साथ उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। हमें जंजीर में कैद करने का सपना छोड़ दो, हम वो बिहारी आदम खोज शेर हैं जिसका भी शिकार करते हैं उसका जिस्म तो क्या रूह भी दम तोड़ देती है। है भाई ज्यादा भौंकने का नहीं है, शेर कभी भौंकता नहीं दहाड़ता है। ससुराल वाले हो इसीलिए छोड़ रहा हूं, अगर दुश्मन होते तो गर्दन उखाड़ के फेंक देता। आज के बाद हम पानी नहीं पिएंगे। हाँ ठीक है भाई। और जिस दिन प्यास ज्यादा लगी ने तुम्हारा खून पिएंगे। हाँ देख राजू, मेरा मानना है कि अब बातचीत करके कोई फायदा नहीं। कोई चाहे कितना भी अमीर हो, उसकी पहुंच जितनी भी ऊपर हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। डरती तो हमनी के देश दुनिया के कोना कोना में थोड़ी ना रहती। बाकी बात कोर्ट कचहरी के बा। टेंशन मत ला, अपने जिला के बहुत बड़ा वकील हुआन, क्या थे बात करे तो हर केस उहे लड़ी हन। अच्छा प्रणाम, चला था नहीं, प्रणाम 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 प्रणाम। राजू बेटा, तो हर ससुर पैसा के घमंड में अंधा हो गए बाड़े, बाकी बेटा
हम प्रीति के आपन पतोह मान चुकल बानी। हमनी के गांव जवार में ब्याह के बाद नवरात्र पुजाला, तू 9 दिन ससुरारी में नवरात्र पुरावे जा और उनका के एहसास दिला के आवा कि तू उनकर जूता के धूल ना, उनकर बेटी के मांग के सिंदूर बाड़ा। उसके पास जिगर नहीं, जिगरा है, करोड़ों का चेक को जला के ने चाय पिलाया। जो लोग हथियार घर में छोड़ के जंगल शिकार करने जाते हैं ना, वो अक्सर हार के ही आते हैं। हथियार तो मंडप में भी था। हाँ? क्या कर लिया हम लोगों ने? क्या कर लिया? कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर पे पहुंच जाए। पांडे जी, पांडे जी, अनारकली, अरे अनारकली, अरे कहाँ घुसल बाड़ू? बाप रे, भूत का नाम लिया, भूत आ गया। ससुरारी में क्या हुआ जे अपना दामाद के स्वागत करे? अरे हमारा अनारकली आ गई ली। अरे प्रणाम ससुर जी। रहुआ हमार सास होके। पाय लागू ससुर जी। हूँ प्रीति ने दादी। अच्छा अच्छा अच्छा, पाय लागू दादी जी। अरे प्रणाम ससुर जी, प्रणाम। अरे का हाल बा? अरे साली साहिबा, अरे कितना सुंदर साली मिलल भिया, और साली तो वैसे भी आधी घर वाली होली। अरे हमरा के बाहर मत फेंका लोग, ना तो मेरा बिना मर जाए। छोड़ा लोग। अरे ससुर जी देखी, हमरा के बाहर फेंके से पहले एक बेर जवन चीज लेके आइल बानी ओकर दर्शन कर ली। एक मिनट। हाँ, इस सीढ़ी के बढ़िया से नहवा के धोवा के सजा धजा के लेके आइल बानी, एक बेर एकर दर्शन कर लेती ना तो चारों तीरा धाम के दर्शन हो जाए। बस एक बेर। ए दंजू। हाँ। आदरणीय मोदी जी के एगो मजदूर के सादर प्रणाम। कुछ दिन पहले ही हमार बियाह भइल रहे, बाकी बिना सुहागरात मनेले ही हमार ससुर जी श्री दिग्विजय सिंह जडेजा हमरा मेहरारू के जबरदस्ती अपना घरे ले गए। बाकी अब हम 9 दिन के नवरात्र पुरावे खातिर अपना ससुरारी जातन। अगर ई बीच में हमरा कुछ भइल, बल तोड़ से लेके मर्डर तक, तो ओकर पूरा जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमार ससुराल वाला लोग ही होगी। प्रणाम। हे भाई। हाँ? खड़े क्यों हो, बैठो, चाय पानी कुछ लाए। ले वही तो आइल बनी। तब ई त खाली ससुर जी ट्रेलर रहे, एकर पूरा सिनेमा के 500 कॉपी सब मजदूर लोग में बांट के आइल बनी। और ई त कुछो नहीं खे, पुलिस स्टेशनों में देके आइल बनी। हाँ, आ ही रे हमारा अनारकली। अनारकली डिस्को चली। ई इतना छोट छोट कपड़ा पहन ले बाड़ू, अपना पापा जी के घर में इतना छोट छोट कपड़ा पहन के रहता रू। सुन, अब तार पति आ गेल बा, ई छोट छोट कपड़ा ना चली, ना तो लगम लती आवे। भाग, जो जाके कपड़ा बदल। रुस गेल का ए हमार करे जा। अरे सुन ना, सुन ना बाबू, मोना पाखी आओ ना तरह ताकी, सुन ना हमार अमर पाली। ए मोटा भाई, अब ये तो फंसा दिया। तुहार है गोर गोर चाम, कर देला दिमाग के जाम। समझ में नहीं खे आवत कि सुहाग राता है नमा कहां से करी। कहो चाप दिखा है। हा, हा, अरे तो यहां कैसे आईला? अरे भोजपुरिया मरद है, आज तो हमार सुहाग रात बा, एकरा खातिर तो धरती फाड़ के और आसमान चीर के आ सके। ए हमार करे जा, आवा ना। छोड़। अरे
तोहार है ब्यूटी देख के सुहागरात वाली ड्यूटी करे खातिर मिजाज बार बार च्यूटी काटा था। अनारकली, अरे अनारकली, सुना तारू हो, अरे सुना, अरे आ तो जमाई राजा नु आवाज छे, जाओ देखो क्या हुआ। अमर करे जा मजदूर जहर मांगतो हसे, आप ही दो। मजदूर लोग कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं ना, पच जाता है, ये जोर भी पचा लेगा, चिल्ला नहीं दे। अनारकली, ओ गॉड, ए अनारकली, कब से धोयला पानी खातिर चिल्लाता नहीं, अरे बाथरूम में पानी और आ गेल बा। इडियट, टिश्यू पेपर यूज कर लेते। पेपर पेपर हमने की सरस्वती माई होली, ऐसे ना पूछनी हो, अगर हमने के खेत रहित ना तो ढेले पे खेला कर लेती। बाकी इता बटले बा, ना ना च्यूटी लाग जाई। अरे अरे ससुर जी, रवा से हमारा इमरजेंसी बा, ई कहे भाग गेलन सो। हे भगवान, हम आउतनि दादी। ओ राधे राधे प्रेम बरसा दे। अनारकली, अरे अनारकली, अरे केन्हे बाड़ू हो, अमर करे जा। अनारकली, अरे जानू लागता अनारकली डिस्को चली। अरे केहू बा जे खाना ना दी, भूख से सूखल जाता नहीं, पता ना सब कहाँ गए बड़े। अरे रा रा रा, ये क्या जमाई बाबू, खाने के लिए टेबल कुर्सी रखी है और आप नीचे बैठ गए। चलिए उठिए उठिए, ऊपर कुर्सी पर जाकर बैठिए। अरे दादी, अमीर ससुरारी मिल गए तो हम अपना गांव के संस्कार ना भूल सकीला। अरे समय के साथ बदलना पड़ता है जमाई बाबू। ससुराल और मेहरारू बदल दे, बाकी अपना गांव के संस्कार और रिवाज ना बदले। अच्छा, तो जमाई बाबू, हाँ? ये भी बताइए कि बिहार में और क्या क्या रिवाज है। यह रिवाज है, बड़ बुजुर्ग के खियोला के बाद ही छोट खा ले। बचपन से बुढ़ापे तक बहुत से अमीर देखे, लेकिन तुम जैसा अमीर दिल वाला कभी नहीं देखा मैंने। मार्ग में बोली बदले न तरुवर बदले चाका, हे हे बालपन ना केस बदले। अरे रोहिबू का तू हूँ ना दादी। अरे बाप रे, ड्यूटी जाए खातिर लेट होता, हम जाता नहीं, ठीक बा। पण लखन ना बदले लाखा, तूने ओ सनम तोड़ी हर कसम, जीते जीते मर गए हम। तूने ओ सबेरे सबेरे सेटिंग सेटिंग वाला गाना गावाई। हाय, अरे तूने ओ सनम, राजू ए पार्टनर, हाय पलंग टूटले कि ना हो। अरे पलंग टूटल रही तो रोमांटिक सॉन्ग ना गाती यार, है दर्द भरल गीत गाती। ए पार्टनर, हाँ तो हर दर्द के दवा हमरा लगे बा। अच्छा, छुट्टी के बाद नू, हाँ बहरी दे हम। अच्छा, हाँ ऐसन कवन दवाई बा हो। अरे यार तोनी के ना बोलनी है भाई, तू लोग जा लोग अपना घरे। अच्छा ये सब छोड़ा लोग, देखा ड्यूटीओ खत्म हो गए, हम बाहरो आ गए, बाकी तू लोग जवन दवाइया के बात करत रहला ओकर का भाई। Yeah!
जब दारू मेहरबान तब राजू पहलवान। आई एम कमिंग मैन अरकली। आज न जोड़ेंगे तुझे दम दमा दम अनारकली। ए अनारकली कहा? ए नीचे आओ। तूने क्या समझा है मुझे दम दमा दम? ए खाना दे। खाना नहीं खे बनल। हैं ए जो जाके खाना लेके आओ। खाना नहीं खे बनल कथी धीरे नतिया। हाँ? का 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 कॉलिस अपना भत्तार के नतिया कॉलिस नतिया तारा की तो हिरनिये से तोर कपारे फोड़ देता नहीं। रुक रुक कर तो बताओ तेरे हमरा के नतिया कॉलिस रे नतिया कौन देश के भिखारी आ गए रे? ये क्या कर रहे? ससुर जी मेरी बेटी क्यों मार रहे? ना ना हम कहाँ मारत रहनी है ससुर जी। अरे भाई ऐसे हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे ने तो एक दिन ऐसा आवेगा कि हमारे सारे गुजराती बहन बेटियों के हस्बैंड ना यूपी बिहार के लोग होंगे। मोटा भाई कुछ तो करना पड़ेगा ने जिसके डर से ये भैये पगड़ी बनने के बजाय जूता का पोछा बने। अरे भाई पनुस ने ऐसे सिचुएशन पर खड़ा कर दिया है नी कि दूसरा कोई उपाय न थी। अरे उपाय न थी तो क्या हम यूं ही 9 दिन बैठ के उसके जाने के इंतजार करें? खेल खेलना पड़ेगा भाई राजनीति का खेल। इनके खेल भी खत्म हो जाए और खिलाड़ी का भी पता न चले। प्रीति तू करे छे तुआ? आज करवा चौथ का व्रत है राजू के लिए व्रत नहीं रखोगी क्या? व्रत? इन्हें लंबी उम्र माटे नहीं मरने के लिए होता नहीं तो जरूर रखती। अरे नहीं कौन बात ना दादी इतिहास में ऐसा पहलका बेर हुई कि कौनो भोजपुरिया मरद अपना मेहरारू खातिर करवा चौथ के व्रत रखी। ई अमराला मरे खातिर व्रत रखल चाहता रही बाकी हम इनके जिए ला व्रत रखब। ऑल द बेस्ट। राजू तू दिल का राजा है कृष्णा तारी बद्धीज मनोकामना पूर्ण करे। जी दादी चला तन देर होता प्रणाम। पनिया देता हो? ला भैया तोरे से शुरुआत। हाँ। ना भाई आज हम करवा चौथ के व्रत रख ले बनी। बात तू दूसरा का मत बताई हो न तो लोग तेरा का मेहर मुंडा कर। सुना लोग दुनिया तो उन्हीं के भौजाई से बढ़ने के हौसला पार्टनर सब बाकी जौना दिन हमारा दिल के बात तोहनी सबके दिल तक पहुंची ना ओ दिन तोहनी के मुंह से हंसी ना आंख से आंसू निकली। पार्टनर भले तू भौजाई खातिर व्रत रख ले बड़ा लेकिन हमने सब तोहरा खातिर व्रत रखम जा। हाँ ताकि तोहार मनोकामना पूरा हो जाए। एकदम जान रे भैया हंसी मजाक तो अपना जगह पर है भैया जे दिन भी आंसू बहावे के नौबत आएगा ना हमने सब अपना खून बहा देंगे। बिल्कुल सही बात छे। अच्छा एक मिनट। हाँ, सही बात। जब हमारा दोस्त नहीं खाएगा तो हम सब लोग नहीं खाएंगे। अरे बाकी पर ना 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 कोई नहीं खाएगा। रास्ता छोड़ ई घर हमार है। अरे तो हमहू तो बर तोहरे हई।
हमरा से ना तो हमरे बाप से तो डर। आय हाय हाय हाय, अगर तारा बाप से डरती तो तारा बाप के घर सुहागरात मनावे थोड़ी ना आती। ए हमार अनारकली, देखो सवेरे से व्रत रखले बानी, बहुत जोर से भूख और प्यास लागल बा, चला फटाफट अपना हाथ से कुछ खिया द ताकि हमार व्रत पूरा हो जाए। अच्छा हाँ। रुका लेके आवता नहीं। हाँ। लागता मान जाई। का हो? देखते ही डर गेलो? वाह भोजपुरी अपति। मर्द बानी मर्द, बुझलो क्या? अच्छा तखा बहुत बहुत धन्यवाद, हमार व्रत पूरा हो गए। अब तो बर्दाश्त की हद हो चुकी है, मेरी बात मानो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और इस बिहारी से कैसे पीछा छुड़ाना है वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। साली साहिबा अकेला में कौनो खेला करे तो ना लेके आल बिया। अरे एने केने? राजू जी मैं अपने खानदान की पूरी विरासत दिखाने लाई हूँ आपको। अच्छा तई मतलब कुल अपने बा? जी हाँ। अरे वाह। चलिए चलिए हाँ। दिखाती हूँ। वाह का बात बा साली साहिबा, जाना था नहीं आज भी हमरा गांव में ना पुरान लकड़ी और बांस के घर बनल बा, तो हम सोचा था नहीं कि ऐजा से 15-20 ट्रक लकड़ी अपना गांव में भेजवा दे। यू आर सो फनी, हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। हां वो तो हम बानी। हां आइए चलते हैं। चल आइए। सुबह से निकली है पर अभी तक आई क्यों नहीं? टाइम भी कितना हो गया। मम्मी मरी डिग्री
શું થયું તને? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक की तो जिंदगी बर्बाद कर ही रहे हो तुम, दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, नीच गरीब मानस। नहीं मामा, गरीब नीच नहीं होते बल्कि पर्वत की तरह ऊंचे होते हैं। इनको मत मारिए माँ, इन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की बल्कि कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदसलूकी की मामा। अगर ये वहाँ पे फरिश्ता बन के नहीं आते तो आज यहाँ मैं नहीं होती, मेरी लाश यहाँ होती। मम्मा, मैं राजू को मारने के लिए वहां से मैंने उसे धक्का देके नीचे भी गिरा दिया और मैं घर वापस लौट ही रही थी। राजू की एंट्री भले ही लेट होती है पर सबसे ग्रेट होती है। हम जिंदगी जीते हैं शान से, इसलिए सभी दुश्मन जलते हैं हमारे नाम से। हीरो, चुपचाप चल जो यहां से, ना तो जईबे अपन प्राण से।
पिताजी तो भगवान का रूप है मामा। दुनिया में लोग जमाई को अपने बेटे के रूप में मानते हैं। मैंने अपने ही घर में तुम्हें हमेशा नजरों से गिरा के रखा। मेरे इस पाप के लिए भगवान मने नरक में पण जगह नहीं आपसे। एक बार आप अपने पैर छूने दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ बेटा। नहीं माँ, सास तो माँ समान होती। मुझे अब बेटे का फर्ज निभाने दीजिए। करता रू स्वाभिमान भुलाइल रहनी, संस्कार ना राउर अच्छाई, हमार बुराई के भुला देहलस, हमेशा पतिव्रता पत्नी जैसन फर्ज निभाई। पतिव्रता पत्नी के का फर्ज होला जाने लू। नौ दिन में जवन भी ठिठोली कहनी या चोक बात बोलनी, जौना से रावर लोग के दिल दुखल होके ओकरा खातिर हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं। साली साहिबा काहे रोवत आरू, अरे तोके हमरो से बढ़िया बर मिली। हाँ और पता बा हमरा के बहुत मिस करबू तू, बाकी रोवा मत। दिल में तेरी चाहत, लबों पे तेरा नाम है। तू मोहब्बत करे या ना करे, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाम है। सुना है तुम्हारे बिहार में पैर छूने पे पैसा या तोहफा देते हैं। तुम घर जाओ, तोहफा पहुंच जाएगा। तोहफा के इंतजार रही ससुर जी। आज हम बहुत खुश बने। आप मुझे बताइए, आपको बेटी चाहिए या बेटा?
हमरा तो लक्ष्मी चाहिए। भैया मेरी बात तो सुनो मेरी। जडेजा 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 ए भाई तोपा घर लेके जाते हैं। तोपा वापस करने से ने उसका अपमान होता है। तुम लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है ने इसके बदले हर रोज एक तोहफा मिलना चाहिए। शेर को छेड़े होते तो शायद बच भी जाते, लेकिन भोजपुरिया को छेड़े हो। हम भोजपुरिया एक के बदले 10 को मारते हैं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब आर चाहे पार हो के रहतबा, हमार दोस्त के खून के बदला हम लोग लेके रह भाई। तमें बड़ा कुतरा छो। हम हाथी हाथी ये तुम लोग के बोकने से ना हमारा तरीका बदलने वाला है ने तेवर। और ज्यादा भोकोगी ने और गलती से हमने एक टांग उठा दिया ना तो तुम लोग चींटी के जैसा मसले जाओगे। जबान में हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डी तुड़वा सकती है। इतने लाशें गिराऊंगा कि अर्थियां ज्यादा होगी और उन अर्थियों को उठाने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। नहीं एजी सुनिए ना, उठे ना, क्या हुआ आपको? आप तो बिना खिलाए मुझे खाते नहीं थे, बिना मुझे सुलाए कभी सोते नहीं थे। आज क्या हुआ आपको? आप बिना खिलाए कैसे सो गए? आज क्या हो गया आपको? उठिए ना, क्या हुआ? उठिए ना। नहीं उठेगा वो, मरवा दिया मैंने उसको। ए! बुझा दिया आपने अपने नफरत की प्यास, विधवा बना दिया मुझे, और मेरा बच्चा, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को दुनिया में आने से पहले अनाथ बना दिया आपने। और भैया तुम, मैंने तो तुम्हें हर साल राखी बांधी है। एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना, और आपने जिस हाथ पे राखी बंधवाई उसी हाथ से मेरा सिंदूर पहुंच दिया। भैया आपने जो प्यार जो खुशी आपके इस महल में मुझे नहीं मिली, वो प्यार वो खुशी मुझे मेरे पति के साथ उनके ईमानदारी से कमाए हुए झोपड़े में मिली। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है आप सबको कि औरत मजबूर है कमजोर है? नहीं, औरत ना तो मजबूर है ना तो कमजोर है, औरत से ही सारी दुनिया है, याद रखना। और ये मेरा पति है, मेरा, मैं ही लेके जाऊंगी अपने पति को, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। नफरत ने मार गिराया लेकिन पश्चाताप ने दामाद को कंधे पर बिठाया। दुनिया की नजर में बड़ा आदमी कहलवा कर खुद में बहुत गुरूर था, लेकिन बेटी की नजरों में गिर कर चकना चूर होकर बिखर गया हूं। मन ने माफ कर दे बहन,
तेरे आंसू और दर्द ने मुझे लोगों के आंसू और दर्द का एहसास दिला दिया। मैं वादा करता हूं कि अपने जीजा के चिता के साथ अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर दूंगा। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है ना दादी। अगर समझ आ गया है तो समय को लौटा दे, नहीं तो जिंदगी भर पछताए इस डिग्री। क्योंकि सच्चे लोग और सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार मिलता है। आज कोर्ट में फैसला छे, जिसकी औकात मेरे नौकर बनने की नहीं थी वो मेरा जमाई बन बैठा, जिसकी औकात मेरा जूता पोछने की थी वो मेरे सर की पगड़ी बन बैठा। आग लगा दो ऐसी पगड़ी को। उस आग में आपके अपने ही जलेंगे पापा। हाँ, उस पगड़ी को 12 हाथ की साड़ी समझकर मैंने अपने दामन को अब ढक लिया है, और वो पगड़ी पगड़ी नहीं, आपकी इज्जत होगी। जो वो चाह रहा था वो हो ना सका, और जो तू चाह रही है ने? वो हम होने नहीं देंगे। पापा, पापा, अरे, अरे, चुप, एकदम चुप, मुझे छोड़ दीजिए पापा, एकदम चुप, पापा सुनिए तो, रुक पापा, चल, अरे सामने तो खड़ी, छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए पापा, चल अंदर जा, पापा प्लीज, पापा छोड़ दीजिए, वो करो छोड़, जब तक मैं केस जीत के कोर्ट का दरवाजा पार नहीं करूं ने, ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। और अगर किसी ने उस दो कौड़ी के आदमी के लिए चौखट लांगी ने, तो मैं घर का हर मर्यादा तोड़ दूंगा। मम्मी, दरवाजा खोलिए। मोटी बा, हेलो, पप्पू बिहारी बोल रहे हैं। लौंडा कंपनी से निकल गया है, लेकिन कोर्ट पहुंचना नहीं चाहिए। लौंडा कोर्ट नहीं शमशान पहुंचेगा। क्या रे, कंपनी छोड़ के तोनी रोड पे मजदूरी करे लगले का? रोड का मजबूती नाप रहल बानी कि तोहरा के मार दी या फिर जिंदा गाड़ दी। मेहरारू खातिर पहल का रात और दुश्मन खातिर पहल का लात से ही मर्द के मजबूती पता चल जाना। रास्ता छोड़। हे! Ah!
ऑर्डर, केस की सुनवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, जब मुजरिम ही नहीं तो फैसला कैसे सुनाएंगे? इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बस 5 ही मिनट हुए हैं। मेरे मुवक्किल बस आते ही होंगे। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है किसी को ऊपर जाने की इतनी जल्दी है। मत रो किस आग को, इसी आग में जला दूंगा, तेरे ही जमीन पर तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तुझे रोकने और ठोकने ही आया हूं। मिलॉर्ड, अब हम कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, अमीरों को फांसना और उनसे पैसे ऐंठना, और जब खुद फंस जाते हैं तो भाग जाते हैं। वो भी भाग गया होगा। आप फैसला सुनाइए मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि अदालत अपना फैसला अपने वक्त के हिसाब से सुनाती है, ना कि इनके ख्वाहिश से। जरा वक्त का इंतजार करिए, अभी भी 10 मिनट बाकी है।
सबूतों की गैर मौजूदगी के कारण अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि यह केस ही फर्जी है, इसलिए अदालत इस केस को ओपन एंड शट घोषित करती है। रुक जाइए साहब, जज साहब, ये केस फर्जी हो सकेला,
आंसू फर्जी हो सकेला, बाकी केहू खातिर बहरा ली खून फर्जी ना हो सकेला। हम एगो गरीब मजदूर, पसीना चुआ के पेट पाले वाला इंसान, आज पसीना के जगह खून बहावे के पड़ल। गरीब खातिर ईमानदारी और इज्जत ही होकर सबसे बड़ दौलत होला, बाकी हमरा खातिर हमार सबसे बड़ दौलत इन नेता के बेटी रहे। जे हमरा के प्यार के रास्ता पर ऐसन चले के सिखा देलस जेकरा बिना जियल तो दूर, सांसों लिहल भी मुश्किल हो गई। हमरा माई के अनाथ बता के मंदिर में साथ फेरा लेलस और हमरा हाथ से अपना मांग में सिंदूर भरवा के हमरा साथे जिंदगी भर साथ देवे खातिर कसम खैलस। बाकी हमर साथ देवे के बदले अपन बदला के भूख मिटावे खातिर पति पत्नी के रिश्ता के जला के वो अपना बाप के साथे चल गई। और तब जाके हमें केस कहनी। जज साहब, का एगो गरीब के अमीर के बेटी से प्यार करे के हक नहीं है? का एगो गरीब के अमीर के बेटी से प्यार के गुनाह? अरे दुनिया के कोनो भी कानून के पन्ना में, कोनो भी कानून के धारा में कहीं लिखल बा कि एगो गरीब अमीर के बेटी से प्यार नहीं कर सकत? जज साहब, रहो हमार पिता समान बन, अब रहुआ जवन भी फैसला सुनाई हम माने खातिर तैयार बानी। मिलॉर्ड, अदालत जज्बातों पे नहीं, सबूत और गवाहों पे चलती है। अगर कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? सर, मेरे मुवक्किल मौत से लड़कर इस अदालत तक पहुंचे हैं और इनके शरीर से ये बहता हुआ खून, क्या इससे भी कोई ठोस सबूत हो सकता है क्या? मिलॉर्ड, ये गरीब होते ही नौटंकीबाज हैं। चंद पैसों के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं और 1500-2000 के मोबाइल में फिल्में भरवाकर रात भर फिल्में देखते हैं और सोने के बाद सपने में भी शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। दीवार से सर टकराकर फोड़ लिया होगा और फिल्मी अंदाज में नौटंकी कर रहा है। मिलॉर्ड, पूछिए इससे कोई है सबूत? है कोई सबूत? ना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि राजू ने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया है, इसलिए अदालत राजू को झूठा करार कर दिग्विजय सिंह जडेजा के पक्ष में फैसला सुनाती है। जैसा एक मिनट, आप कौन? मैं दिग्विजय सिंह की बेटी और राजू की पत्नी। मैं अदालत से कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, सच में इनका साथ साथ फेरा लेके पति पत्नी के बंधन के रिश्ता में हमने बंधाइल रहनी। उस समय ये रिश्ता के मोल समझ में ना आइल रहे, लेकिन अब ये रिश्ता का महत्व समझ में आ गइल बा, प्यार के मोल पता चल गइल बा। जज साहब, अब हम
इनके साथ रहल चाहता नहीं, लेकिन पैसा के दम पर अगर हमार बाबूजी ये केस जीत भी जाई है तो हम इनसे हारल रहब हमेशा। जैसा रउआ से दोनों हाथ जोड़ के बिनती बा, सारी खुशी इनके ला और हर गम हर सजा हमरे नाम कर दी। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार होगा कि फैसला सुनाने के बाद फैसला बदल कर फिर से फैसला सुनाना पड़ेगा। प्रीति जडेजा की बातों को सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रीति जडेजा और राजू दोनों अपनी शादी के अटूट बंधन में रहेंगे। और हां, दिग्विजय सिंह जडेजा जी अगर कोई भी दबाव या हमला करते हैं तो दोषी पाए जाने पर अदालत उन पर कानूनी कार्यवाही करेगी। केस क्लोज। गुजरात न्यायालय प्रीति और राजू के रिश्ता के मंजूरी तो दे दलस, लेकिन जैसन की रउआ सब देख चुकल बानी कि जडेजा कितना हठी इंसान बड़न, लेकिन ये कहावत भी रउआ सब सुनले हो कब कि हर माँ बाप दुनिया से तो जीत सकेला पर अपना औलाद के सामने हार जाला। यहां भी जडेजा के अपना बेटी प्रीति के प्यार के सामने आखिर में झुके के ही पड़ा।